से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हाई बॉक्स एप्लीकेशन के बारे में। इसके अंदर तुम्हें मैं लाइव दिखाऊंगा मिस्ट्री बॉक्स की खोल के उसके अंदर क्या निकलता है। इसके अंदर 300 से लेके 1,00,000 रुपए तक के मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले ये ठीक है, 1,00,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स ले रहे हैं भाई। सबसे पहले ना हम लोग ले भाई चेकआउट, ओके ऑर्डर प्लेस। ले भाई 1,00,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स आ गया। अब करते हैं इसको ओपन, देखते हैं क्या निकलता हमारा 1,00,000 रुपए में। ओपन हो भाई, ये क्या निकला इसमें से, ये निकला इसमें से गैस ग्रिल। इसमें तो मजा नहीं आया भाई अपने को, इसको कर देंगे हम रीसेल। तो देखो 1,00,000 रुपए का हमें पड़ा था ये। अब ये इसका रीसेल प्राइस आ रहा है 1,01,000 रुपए, मतलब सीधा सीधा 1,000 रुपए का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और इसको जितने भी पैसे हैं विद प्रॉफिट हम 24 आवर्स के बाद क्लेम कर सकते हैं। और अपने को ये भी मिला है देखो लक्की स्पिन, इसमें देखें क्या निकलेगा। ये क्या निकला, लैपटॉप निकल जा भाई। इसमें निकले हमारे 100 रुपये, पर चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये में भी हम खुश हैं, प्रॉफिट तो वाइट लास्ट। तो भाई ये है हाई बॉक्स एप्लीकेशन, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, अपने मिस्ट्री बॉक्सेस खोलो और अपने मौज काटो। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंजॉयबल मूवी है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक। आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग। उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, no, I can't say that because सबका रोल डिफरेंट था एंड ऑल ऑफ देम डिड गुड। Yeah, yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family background? No, there's nothing as such. But it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real, I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, aap hasas ke gir jaoge and equally emotional bhi hai, so. Achha, toh kitna 60-40 mein rate karna hoga, toh kitna percent emotion hai, kitna percent comedy hai? 30% emotional hai, 70% bahut comedy hai. Movie mein gaane kitne hai? 4. चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ प्लॉट वाइज सही है, ठीक है। मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 टू 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन-कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? Doctor, I don't know what is his name though, but it's a all great the actors hain matlab haan ji yeah, so small cameos or... yeah not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10, yeah thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. दिलजीत ने भी अच्छा एक्टिंग किया और करीना कपूर का भी एक्टिंग वाज गुड। सो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? या पसंद आएगी, भी कॉमेडी वाइज, पंच लाइंस, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद है? गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का, स्क्रीन प्ले। 4.5। Storyline was good. I think the excitement level remained throughout the movie and the humor was fantastic. What about the concept of the film? How much you connected?
The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi? Jodi's chemistry, both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped, you know. What about songs? The original song, that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. Concept wise, it's really nice because इसमें दो चीजें बहुत important है, उसमें है in vitro fertility, that is IVF, and adoptions के बारे में बात की है. ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है, तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर, एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रोबैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है, और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. So from that point of view, it's a very good movie. Akshay Kumar और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा, और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है, और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज, एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिल तारीफ़ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं, बहुत ही चीज़ी. सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. All the songs are very good. Ek Chandigarh mein last song Zumba, all the songs composed by Tanish Bachi and couple of other you know, all the songs are very good. Music is a plus point. All food typing numbers, you feel like dancing on each and every number. After a long time, I'm giving 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. Bahut maza aayega aapko. Thank you so much. Kaisi lagi aapko film? Kaun si? Good news. Mujhe bahut achhi lagi aur acha kaam kiya.
अच्छा एक्ट्रेस को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी, अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई है, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक बहुत अच्छा काम किया कियारा ने, और स्वीट लगी है, अच्छी अच्छी लगी है। और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है। अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते, और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है। पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है, और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी, कॉमेडी ज्यादा। अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे। तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली ये फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से। फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क्ड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट।
No, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. But it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? They have made it so good. I mean, it might be real. I don't know what is it about, but it's something. It's a really nice, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है. सो कितना 60-40 में रेट करना होगा, तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है. मूवी में गाने कितने हैं? चार. चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ, प्लॉट वाइज सही है. ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट. मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 to 5 में? 4.5, 5. आई मीन आई वुड गो फॉर 5. व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ गुड. और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी हाँ जी, स्मॉल कैमियोज. या Not cameos, I should say, yeah, but there are good, small supporting overall actors. Movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का, स्क्रीन प्ले. 4.5. स्टोरी लाइन वॉज गुड. आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक. The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped, songs, the original song, that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and yeah, emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. Concept wise it's really nice because इसमें दो चीज़ें बहुत important है, उसमें है in vitro fertility, that is IVF, and adoptions के बारे में बात की है. ये दो concepts मतलब बहुत important है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है, तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक, ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो, फर्स्ट टाइम टुगेदर, एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन.
चंडीगढ़ में. 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आया आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल पे आ दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिले तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है. सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स, यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. आई थिंक आई एम रियली एंटरटेन्ड सेकेंड हाफ स्पेशली, इट्स सो एंटरटेनिंग, बहुत मजा आएगा आपको. थैंक यू सर. कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज़. मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी-अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना चाहिए? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करते हैं? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूँगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूँगा. जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है. वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है. पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है? जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने. और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही लगे? नहीं, प्लेसमेंट सही है. और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पर. तो कंसेप्ट लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कंसेप्ट पर फिल्म? कंसेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीज़ें ही चलेंगी. ये अल्टीमेटली ये
सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरी ये फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं है? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन-कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead in that, and that chemistry is something I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family background? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है। सो अच्छा, तो कितना 60-40 में रेट करना होगा, तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है। मूवी में गाने कितने हैं? चार। चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ, प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 to 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ ग्रेट। और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी हाँ जी, स्मॉल कैमियोज, या not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaise lagi? Aur Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. So
या पसंद आएगी क्योंकि कॉमेडी वाइज पंच लाइन्स वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद है? गाने इतने बोलते ना आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले। या फोर एंड हाफ स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know the emotional connect was amazing. What about performance? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped you know. Which songs? The original song, that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें है, इन विट्रो फर्टिलिटी दैट इज IVF एंड अडॉप्शंस के बारे में बात की है। ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। IVF यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए। तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस। ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट। या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था। अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रोबैक, सो वो भी बहुत अच्छा था, बट कियारा आडवाणी का लेवर पेन। चंडीगढ़ में 4.5। ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी, वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी। अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा, और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा, तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें। कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है, चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी, और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए, पहला ये सोशल मैसेज है। और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना, बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है, एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर, सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी। नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है, सो ये काबिल तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं, बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा।
all the songs are very good. Ek Chandigarh mein last song Zumba, all the songs composed by Tanish Bachi and couple of other all the songs are very good. Music is a plus point. All foot tapping numbers, you feel like dancing on each and every number. Out of 5, how many stars? After long time, I'm giving 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. बहुत मजा आएगा आपको. कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. अच्छा, एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जाएंगे जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है. वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है, और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने. और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही लगे? नहीं, प्लेसमेंट सही है. और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे. तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी. ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए, भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया. कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा. इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए. अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना. अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से. फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा. फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है. फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया. ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4. मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है. और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी. आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम.
स्टोरी वॉज फैंटास्टिक आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी बहुत बहुत अच्छी लगी सबकी केमिस्ट्री चारों की द वे दे वर्कड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट बट इट वाज रियली गुड Of course, it's amazing. All of them are great. Who are best in the film? No, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Are you recommending? Yeah, 5 out of 5, of course. Any song you would like? All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead in that. And their chemistry is something I love it. And what about the plotting of like, you know, a rich family, a person from a high society and then second one from a lower middle class family background? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? They have made it so good. I mean, it might be real. I don't know what is it about, but it's a really nice, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है सो पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे रीमिक्स है ज्यादा तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद सो दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 टू 5 में 4.5 5 आई मीन आई वुड गो फॉर 5 व्हाट अबाउट द एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन-कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो बट इट्स अ और भी एक्टर्स हैं मतलब हां जी स्मॉल कैमियोस या Not cameos, I should say, yeah. But there are good, small supporting Overall actors. Overall, movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news movie achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hai unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. तो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी या पसंद आएगी कॉमेडी वाइज वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है और गाने कौन से पसंद हैं गाने इतने बोलते ना आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले 4.5 स्टोरी लाइन वाज गुड आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेंड थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वाज फैंटास्टिक The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the the emotional connect was amazing. What about performance of the actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were. Fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things, which helped which songs. The original song that is Chandigarh mein, that is my favorite amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and. Yeah, emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. Concept wise, it's really nice because इसमें दो चीजें बहुत important है, उसमें है in vitro fertility, that is IVF, and adoptions के बारे में बात की है. ये दो concepts मतलब बहुत important है. IVF यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है तो विच इज़ रियली नाइस ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी कितना कनेक्ट करेगी
ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन. चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा, तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिल तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स है. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फन वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष्क बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स, यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. बहुत मजा आएगा आपको. थैंक यू सर. तो कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज़. गुड न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. अच्छा, एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई है, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो है जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं. देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूँगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूँगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल हो ना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी के तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की,
लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब बचपन से आप भी सुनते आ रहे, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पर। तो कंसेप्ट लेकर आपको क्या कहना है, जिस कंसेप्ट पर फिल्म? कंसेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली ये फिल्म बनाने के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम हैं जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में 4 लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस चारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से। फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्कड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and the chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real, I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे, एंड इक्वली इमोशनल भी है। सो कितना 60-40 में रेट करना होगा, तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है। मूवी में गाने कितने हैं? 4। चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ, प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप, 1 to 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, बट
It's a और great भी एक्टर्स हैं मतलब हाँ हाँ जी हाँ जी स्मॉल कैमियोज या नॉट कैमियोज आई शुड से या बट देर आर गुड स्मॉल सपोर्टिंग एक्टर्स और मूवी को आप कितना स्टार देंगे 10 या थैंक यू ओके गुड न्यूज़ कैसी लगी आपको गुड न्यूज़ मूवी अच्छी है क्या सबसे ज्यादा पसंद आया कॉन्सेप्ट वाइज स्टोरी वाइज कॉमेडी वाइज इमोशनल वाइज तीनों ये बहुत अच्छा किया है और अक्षय कुमार की एक्टिंग भी अच्छी है और जो दूसरे एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे लगी आपको दिलजीत ने भी अच्छा एक्टिंग किया और करीना कपूर का भी एक्टिंग वाज गुड सो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी या पसंद आएगी क्योंकि कॉमेडी वाइज पंच लाइंस वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है और गाने कौन से पसंद हैं गाने इतने बोलते ना आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले स्टोरी लाइन वॉज गुड आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक द कंसेप्ट ऑफ द मूवी इज न्यू आई थिंक वी पीपल शुड हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम योर एंड द यू नो द इमोशनल कनेक्ट वॉज अमेजिंग The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry, both of them were fantastic. But I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things, which helped, you know. What about songs? Songs, the original song that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level and emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. कॉन्सेप्ट वाइज इट्स रियली नाइस बिकॉज इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें है इनविट्रो फर्टिलिटी दैट इज़ IVF एंड अडॉप्शंस के बारे में बात की है ये दो कॉन्सेप्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है IVF यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट को इक्वली बैलेंस किया है तो विच इज़ रियली नाइस ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू बहुत अच्छा था अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक सो वो भी बहुत अच्छा था बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन चंडीगढ़ में 4.5 ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी वो भी एक्शन थ्रिलर है ये कॉमेडी मूवी है तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने एतराज़ में देखा था फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कंबख्त इश्क में देखा तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल विदाउट हैविंग एनी प्रीकंसीव नोशंस दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए पहला ये सोशल मैसेज है और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्रीकंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड डायरेक्शन इज़ वेरी गुड
and editing is crisp by Manish More. So I think it's a very good package and vacation period chal raha, so please go and watch the movie. नया जॉनर है वही, एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिले तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. All the songs are very good. Chandigarh mein last song Zumba, all the songs composed by Tanish Bachi and couple of other you know, all the songs are very good. Music is a plus point. All foot tapping numbers, you feel like dancing on each and every number. Out of 5, how many stars? After long time I'm giving 4.5. I think I'm really entertained second half especially, it's so entertaining. Bahut maza aayega aapko. Thank you sir. Kaisi lagi aapko film? Kaun si? Good news. Mujhe bahut achhi lagi aur acha kaam kiya. एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी, हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी-अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना चाहिए? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के चल रहे हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी, कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आज के लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही लगे? नहीं, प्लेसमेंट सही है. और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे. तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी. ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरी ये फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया है, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया. कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा. इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए. अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना. अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से. फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा. फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है. फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया. ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे?
फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक। आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family background? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे and equally emotional भी है, so. अच्छा, तो कितना 60-40 में rate करना होगा, तो कितना percent emotion है, कितना percent comedy है? 30% emotional है, 70% बहुत comedy है। Movie में गाने कितने हैं? चार। चारों गाने set हैं plot wise? हाँ। Plot wise सही है। ठीक है, movie के गानों को आप कितने rate करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 to 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ गुड। और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी हाँ जी, स्मॉल कैमियोज, या not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. तो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? या पसंद आएगी, कॉमेडी वाइज, पंच लाइंस, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद हैं? गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का, स्क्रीन प्ले। 5 बजे कितना? 4.5। स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of the star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things, which helped, you know, which songs, the original song, that is Chandigarh mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and आपको
कॉन्सेप्ट वाइज इट्स रियली नाइस बिकॉज इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है इनविट्रो फर्टिलिटी दैट इज़ IVF एंड अडॉप्शंस के बारे में बात की है. ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. IVF यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेवर पेन चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने एतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिल तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फन वे में लिया गया है. सो बहुत अच्छा. All the songs are very good. एक चंडीगढ़ में last song Zumba, all the songs composed by Tanishq Bagchi and couple of other you know, all the songs are very good. Music is a plus point. All foot tapping numbers, you feel like dancing on each and every number. After long time, I'm giving 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. बहुत मज़ा आएगा आपको. कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? Good news मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी-अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना चाहिए? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है,
पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी, कॉमेडी ज्यादा। अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे। तो कॉन्सेप्ट लेकर आपको क्या कहना है, जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली फिल्म बनाने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस चारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से। फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क्ड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, no, I can't say that because सबका रोल डिफरेंट था एंड ऑल ऑफ देम डिड गुड। Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead in that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, aap hansas ke gir jaoge and equally emotional bhi hai, so. Achha, toh kitna 60-40 mein rate karna hoga, toh kitna percent emotion hai, kitna percent comedy hai? 30% emotional hai, 70% bahut comedy hai. Movie mein gaane kitne hai? 4.
चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज्यादा तो, एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 टू 5 में? 4.5 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन-कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ गुड। और भी एक्टर्स हैं मतलब? हां हां जी, हां जी, स्मॉल कैमियोस, या या not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. तो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? या पसंद आएगी, कॉमेडी वाइज, पंच लाइंस, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद हैं? गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले। 4.5 स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of the star cast? Was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped you know. What songs? The original song, that is Chandigarh mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and yeah, emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. Concept wise it's really nice because इसमें दो चीजें बहुत important है, उसमें है in vitro fertility that is IVF and adoptions के बारे में बात की है. ये दो concepts मतलब बहुत important है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक, ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा, और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है.
और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिल तारीफ़ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है. सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. आई थिंक आई एम रियली एंटरटेन सेकेंड हाफ स्पेशली, इट्स सो एंटरटेनिंग. बहुत मजा आएगा आपको. थैंक यू सो मच. कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज़. मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना चाहिए? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने. और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है. और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पर. तो कंसेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, जिस कंसेप्ट पर फिल्म? कंसेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीज़ें ही चलेंगी. ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है तो उस पर आपका क्या कहना है, कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत थी या फिर ये अननेसेसरी ये फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया. और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया. कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा. इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए. अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना. अच्छा, तो चार
ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्कड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है। सो कितना 60-40 में रेट करना होगा, तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है। मूवी में गाने कितने हैं? चार। चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ, प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप, 1 to 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ ग्रेट। और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी हाँ जी, स्मॉल कैमियोज, या not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Movie ko aap kitna star denge? 10. 10, yeah yeah, thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya, concept wise, story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaisi lagi? Aur Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. तो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? या पसंद आएगी, कॉमेडी वाइज, पंच लाइंस, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद हैं आपके? नहीं, गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का, स्क्रीन प्ले। 5 में से कितना? 4.5। स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more
funny things which help you know which songs the original song that is Chandigarh mein, that is my favorite amongst my favorite now. Out of 5 I would rate 4 because of its humor, its excitement level and emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. कॉन्सेप्ट वाइज इट्स रियली नाइस बिकॉज इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें है इन विट्रो फर्टिलिटी दैट इज़ IVF एंड अडॉप्शंस के बारे में बात की है. ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. IVF यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का दोनों का कॉम्बो, फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कम्बख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ जो कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड I feel cinematography is very good, direction is very good, and editing is crisp by Manish More. So I think it's a very good package. And vacation period chal raha, so please go and watch the movie. लेकिन comedy का लगता है आपको ये नया genre है और लोगों को मतलब कहीं ना कहीं नया genre है, वही एक serious theme है, लेकिन उसको comedy में दिखाया गया है. So ये काबिले तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत sensitively portray किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी cheesy one-liners भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फन वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स, यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. बहुत मजा आएगा आपको. थैंक यू सर. तो कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज़. मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. अच्छा, एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जाएंगे जो
कि हर पल को जीते हैं। तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते, और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है। पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है, और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी, कॉमेडी ज्यादा। अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे। तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इंजॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वॉज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबकी बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, I can't say that because सबका रोल डिफरेंट था एंड ऑल ऑफ देम डिड गुड। Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such, but it's really great.
Yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे and equally emotional भी है so अच्छा तो कितना 60-40 में rate करना होगा तो कितना percent emotion है कितना percent comedy है 30% emotional है 70% बहुत comedy है movie में गाने कितने हैं चार चारों गाने set हैं plot wise हाँ plot wise सही है ठीक है movie के गानों को आप कितने rate करेंगे पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे रीमिक्स है ज्यादा तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद सो दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 टू 5 में 4.5 5 आई मीन आई वुड गो फॉर 5 व्हाट अबाउट द एक्टर्स एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन-कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो बट इट्स अ और भी एक्टर्स हैं मतलब हां जी स्मॉल कैमियोस या Not cameos, I should say, yeah. But there are good, small supporting Overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news movie achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha gaya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hai unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. तो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी पसंद आएगी कॉमेडी वाइज पंच लाइंस वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है और गाने कौन से पसंद हैं गाने इतने बोलते ना आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले 4.5 स्टोरी लाइन वाज गुड आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेंड थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वाज फैंटास्टिक the concept of the movie is new I think we people should have something to learn from here and the you know the emotional connect was amazing what about performance of the star cast was already so good I think I am nobody to comment on their performance it was great what about the jodi's chemistry both of them were fantastic but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple that is Diljit and Kiara they had a lot more funny things which helped you know which songs the original song that is Chandigarh mein that is my favorite amongst my favorite now out of 5 I would rate 4 because of its humor its excitement level and yeah emotional touch also kaise lagi aapko good news bahut good news degi aapko so please watch it like amazing hai concept wise it's really nice because isme do cheeze bahut important hai usme hai in vitro fertility that is ivf and adoptions ke bare mein baat ki hai ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है आईवीएफ यहाँ पे नया इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है तो विच इज़ रियली नाइस ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे बट ऑल दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू बहुत अच्छा था अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक सो वो भी बहुत अच्छा था बट कियारा आडवाणी का लेवर पेन चंडीगढ़ में 4.5 ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी वो भी एक्शन थ्रिलर है ये कॉमेडी मूवी है तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कम्बख्त इश्क में देखा तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई
और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें। कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है। चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्रीकंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी। और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए। पहला ये सोशल मैसेज है। और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्रीकंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना। बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है। एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे। So I think it's a very good package and vacation period chal raha hai, so please go and watch the movie. Lekin comedy ka lagta hai aapko ye naya genre hai aur logo ko matlab kahin na kahin naya genre hai, wahi ek serious theme hai lekin usko comedy mein dikhaya gaya hai. So ye qabil e tareef hai ki kahin bhi aap bahut sensitively portray kiya hai, kahin bhi aapko ye nahi lagega ki kya dikhaya ja raha hai. Bahut sari cheesy one liners bhi hain, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स है, बहुत ही चीज़ी। सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फन वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा। ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड। एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष्क बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड। म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट। ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5। I think I'm really entertained second half especially, it's so entertaining, bahut maza aayega aapko. Thank you so much. Ab kaisi lagi aapko film? Kaun si? Good news. Good news mujhe bahut achhi lagi aur acha kaam kiya. Acha actors ko aap kitna rate karenge? Akshay Kumar ke samne Kiara Advani. Ha. Akshay Kumar ji itne saal se comedy kar rahe hain, Kiara Advani abhi abhi aayi hain, unke comedy timing ko kya kehna chahiye? Nahi, Kiara ne jo apna kaam kiya hai wo pasand karegi dunya, public बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है। और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है। अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो है जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं। हाँ, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूँगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूँगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते, और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है। वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है। पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी, कॉमेडी ज्यादा। अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी के तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे। तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली ये फिल्म बनाने गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो अगर जो आप
मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम हैं जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा। इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस चारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे। जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क्ड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? They have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है। सो कितना 60-40 में रेट करना होगा, तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है। मूवी में गाने कितने हैं? चार। चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ, प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट। मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप 1 to 5 में? 4.5, 5, आई मीन आई वुड गो फॉर 5। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ गुड। और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी, हाँ जी, स्मॉल कैमियोज, या not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Movie ko aap kitna star denge? 10. 10, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotion wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. तो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? पसंद आएगी, कॉमेडी वाइज, पंच लाइंस, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद हैं? गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले। 4.5। स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and
you know, the emotional connect was amazing. The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic. But I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things, which helped, you know. What about songs? The original song, that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and emotional touch also. Good news, bahut good news degi aapko, so please watch it, like amazing hai. कॉन्सेप्ट वाइज इट्स रियली नाइस बिकॉज इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें है इनविट्रो फर्टिलिटी, दैट इज़ IVF, एंड अडॉप्शंस के बारे में बात की है. ये दो कॉन्सेप्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है, तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर, एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज में देखा था, फिर अजनबी में देखा, और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल पे आ दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं, और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज, एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिले तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. All the songs are very good. Chandigarh mein last song, Zumba. All the songs composed by Tanish Bachi and couple of other, you know, all the songs are very good. Music is a plus point. All food typing numbers, you feel like dancing on each and every number. Out of 5, how many stars? After a long time, I'm giving 4.5. I think I'm really entertained. Second half, especially, it's so entertaining. Bahut maza aayega aapko. Thank you, sir. Kaisi lagi aapko film? Kaunsi? Good news. Mujhe bahut achi lagi aur acha kaam kiya. एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को
क्या? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक। बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी अच्छी लगी है। और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं, जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है। अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा, तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते, और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है। वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो, मुझे वो लाइफ पसंद है। पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में, वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है, और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी, कॉमेडी ज्यादा। अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी। अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने, और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही लगे? नहीं, प्लेसमेंट सही है, और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे। तो कंसेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, जिस कंसेप्ट पर फिल्म? कंसेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरी ये फिल्म बनानी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए, भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया। कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं है? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा। इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वाज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क्ड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। There's no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good.
Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? They have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे, एंड इक्वली इमोशनल भी है. सो पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद. So that is what I loved about. And movie ke plotting story ko kya rate karenge aap 1 to 5 mein? 4.5, 5. I mean, I would go for 5. Okay, what about the actors? Actors, char jo lead actors ke alawa aur kaun se actors nazar aate hain movie mein? Doctor, I don't know what is his name though. But it's a good. Aur bhi actors hain matlab. Haan haan ji, haan ji. Small cameos, yeah. Not cameos, I should say, yeah. But there are good small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. Yeah. Thank you. Okay, good news कैसी लगी आपको? Good news मुझे अच्छी है. क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, तीनों ये बहुत अच्छा किया है, और अक्षय कुमार की acting भी अच्छी है. और जो दूसरे actors हैं उनकी performance कैसी लगी? दिलजीत ने भी अच्छा acting किया, और करीना कपूर का भी acting was good. So audience को कितनी पसंद आएगी? Yeah, पसंद आएगी, क्योंकि comedy wise, punchlines, one liners and emotional भी करती है. गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले. 5 बजे कितना स्टोरी लाइन वाज गुड. आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी, एंड द ह्यूमर वाज फैंटास्टिक. The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things, which helped you know. Which songs? The original song, that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and yeah, emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. Concept wise, it's really nice because इसमें दो चीज़ें बहुत important है. उसमें है in vitro fertility, that is IVF, and adoptions के बारे में बात की है. ये दो concepts मतलब बहुत important है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है, तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वाज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक, ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो, फर्स्ट टाइम टुगेदर, एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन. चंडीगढ़ में 4.5.
ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी, वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. So from that point of view, it's a very good movie. Akshay Kumar और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस बाय मनीष मोरे. So I think it's a very good package and vacation period chal raha hai, so please go and watch the movie. लेकिन कॉमेडी का लगता है आपको ये नया जॉनर है और लोगों को मतलब कहीं ना कहीं नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिल तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स है, बहुत ही चीज़ी. सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फन वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स, यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. I think I'm really entertained second half, especially it's so entertaining. बहुत मजा आएगा आपको. तो कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. अच्छा, एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई है, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जाएंगे जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूँगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूँगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी के तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने. और तीनों चारे गाने बरोबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही लगे? नहीं, प्लेसमेंट सही है. और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे. तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी. ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली फिल्म बनाने के लिए?
नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं है? टेक्नोलॉजी देखो अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं चारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से। फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी। आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम। स्टोरी वॉज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बहुत बहुत अच्छी लगी, सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्क विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग, उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे। तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच, लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड। सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट। नो आई कांट से दैट बिकॉज सबका रोल डिफरेंट था एंड ऑल ऑफ देम डिड गुड। Yeah, 5 out of 5, of course. All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something, I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? It was, they have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good, I mean, good movie to watch. You'll, you know, aap hasas ke gir jaoge and equally emotional bhi hai, so. Achha, toh kitna 60-40 mein rate karna hoga, toh kitna percent emotion hai, kitna percent comedy hai? 30% emotional hai, 70% bahut comedy hai. Movie mein gaane kitne hai? 4. चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? प्लॉट वाइज सही है। ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद, और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? Doctor, I don't know what is his name though, but it's a all great the actors hain matlab haan ji okay, small cameos role. yeah not cameos I should say, yeah, but there are good small supporting overall actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10. yeah thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha gaya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. दिलजीत ने भी अच्छा एक्टिंग किया और करीना कपूर का भी एक्टिंग वाज गुड। सो ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी? या पसंद आएगी, कॉमेडी वाइज, पंच लाइंस, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है। और गाने कौन से पसंद हैं?
गाने इतने बोलते ना आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले। 5 बजे कितना स्टोरी लाइन वॉज गुड, आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक। The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped, you know, which songs, the original song that is Chandigarh mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and yeah, emotional touch also. Good news, बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. Concept wise it's really nice because इसमें दो चीज़ें बहुत important है, उसमें है in vitro fertility that is IVF and adoptions के बारे में बात की है. ये दो concepts मतलब बहुत important है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू, बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. So from that point of view, it's a very good movie. Akshay Kumar और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा, और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पे आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल प्यार दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर हैं और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एडिटिंग इज़ क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिल तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा, मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं, बहुत ही चीज़ी. सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है, सो बहुत अच्छा. All the songs are very good. Chandigarh mein last song Zumba, all the songs composed by Tanish Bachchi and couple of other you know, all the songs are very good. Music is a plus point.
all foot tapping numbers, you feel like dancing on each and every number. Out of 5, how many stars? After a long time, I'm giving 4.5. I think I'm really entertained. Second half, especially, it's so entertaining. बहुत मजा आएगा आपको. Thank you so much. कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? Good News. मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. अच्छा, एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी अभी आई है, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी अच्छी लगी. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं, जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. अच्छा, आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा, तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज़्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है. वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है, और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आज के लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने. और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही नहीं, प्लेसमेंट सही है. और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब आप बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है, आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पे. तो कॉन्सेप्ट को लेकर आपको क्या कहना है, ये जिस कॉन्सेप्ट पर फिल्म? कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी. ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरीली ये फिल्म बनाने गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ, एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया, और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया. कि तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो, अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडोप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा. इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए. अच्छा, मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना. अच्छा, तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं, ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस चारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से. फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा. फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है. फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया. ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4. मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इन्जॉयबल मूवी है. और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर पहली बार एक मूवी बनी है, तो बहुत ही बोल्ड थीम है और आई फील इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवी. आई लव द मूवी एंड अक्षय वाज सुपर्ब, इवन दलजीत, आई लव देम. स्टोरी वाज फैंटास्टिक. आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया. आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी. बहुत बहुत अच्छी लगी.
सबकी केमिस्ट्री चारों की, द वे दे वर्कड विद देयर रोल्स वाज अमेजिंग. उनके कैरेक्टर सबके बहुत अच्छे थे. तो कॉन्सेप्ट वाइज दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल टू वॉच. लाइक IVF इज नॉट समथिंग दैट ऑल ऑफ द यंग जनरेशन इज कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, बट इट वाज रियली गुड. सो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स? ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट. There's no, no, I can't say that because sabka role different tha and all of them did good. Are you recommending? Yeah, yeah, 5 out of 5, of course. Or any song you would like? All of them are good. Thank you. I mean, Akshay sir hai, so there's nothing to look ahead than that, and their chemistry is something I love it. I love it. And what about the plotting of, like, you know, a rich family, a person from a high society, and then second one from a lower middle class family background? No, there's nothing as such. There's nothing as such, but it's really great. Okay, yeah. What about that concept, that IVF concept? They have made it so good. I mean, it is, it might be real. I don't know what is it about, but it's something, it's a really nice, good movie to watch. You'll, you know, आप हंस के गिर जाओगे एंड इक्वली इमोशनल भी है. सो अच्छा, तो कितना 60-40 में रेट करना होगा, तो कितना परसेंट इमोशन है, कितना परसेंट कॉमेडी है? 30% इमोशनल है, 70% बहुत कॉमेडी है. मूवी में गाने कितने हैं? चार. चारों गाने सेट हैं प्लॉट वाइज? हाँ, प्लॉट वाइज सही है. ठीक है, मूवी के गानों को आप कितने रेट करेंगे? पंजाबी सॉन्ग्स है यार सारे, रीमिक्स है ज़्यादा, तो एक ही एक ओरिजिनल है शायद. सो दैट इज़ व्हाट आई लव्ड अबाउट. मूवी के प्लॉटिंग स्टोरी को क्या रेट करेंगे आप, 1 to 5 में? 4.5, 5. आई मीन आई वुड गो फॉर 5. व्हाट अबाउट द एक्टर्स? एक्टर्स चार जो लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स नजर आते हैं मूवी में? डॉक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम दो, बट इट्स अ गुड. और भी एक्टर्स हैं मतलब? हाँ हाँ जी, हाँ जी, स्मॉल कैमियोज. या Not cameos, I should say, yeah, but there are good, small supporting actors. Overall movie ko aap kitna star denge? 10. 10. Yeah, yeah. Thank you. Okay, good news kaisi lagi aapko? Good news mein achhi hai. Kya sabse zyada pasand aaya concept wise? Story wise, comedy wise, emotional wise, tino ye bahut acha kiya hai aur Akshay Kumar ki acting bhi achhi hai. Aur jo dusre actors hain unki performance kaisi lagi? Diljit ne bhi acha acting kiya aur Kareena Kapoor ka bhi acting was good. पसंद आएगी क्योंकि कॉमेडी वाइज, पंच लाइन्स, वन लाइनर्स एंड इमोशनल भी करती है. गाने इतने बोलते ना, आके इतने गुनगुनाने वाले नहीं, एक दो गाने कट भी होते तो भी कुछ नहीं, ग्रिपिंग अच्छा रहता मूवी का स्क्रीन प्ले. 4.5. स्टोरी लाइन वॉज गुड. आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल रिमेन थ्रू आउट द मूवी एंड द ह्यूमर वॉज फैंटास्टिक. The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and the you know, the emotional connect was amazing. What about performance of actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about their Jodi's chemistry? Both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped, you know. What about which songs? The original song, that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and yeah, emotional touch also. Good news, बहुत बहुत good news देगी आपको, so please watch it, like amazing है. और concept wise it's really nice because इसमें दो चीज़ें बहुत important है. उसमें है in vitro fertility, that is IVF, and adoptions के बारे में बात की है. ये दो concepts मतलब बहुत important है. IVF यहाँ पे नया, इंडिया में नया है, तो ये भी अडॉप्ट करना चाहिए बहुत लोगों ने, क्योंकि मेनली तो इंडिया में कैसा है कि पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, इसीलिए अडॉप्शन भी लेना चाहिए. तो मतलब मूवी ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को इक्वली बैलेंस किया है, तो विच इज़ रियली नाइस. ऑडियंस को आई थिंक 85% श्योरली कनेक्ट करेगी, बिकॉज जिस वे में दिखाया वो फनी वे में और इन्फॉर्मेटिव दिखा सकते थे, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी फनी एंड वेरी नाइस, सो यू वुड लाइक
ऑडियंस वुड डेफिनेटली लव इट. या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. आई लव दिलजीत दोसांग एंड कियारा आडवाणी का, दोनों का कॉम्बो फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड देन इट्स लाइक समथिंग रियली न्यू. बहुत अच्छा था. अक्षय करीना इज लाइक कम्प्लीट थ्रो बैक, सो वो भी बहुत अच्छा था. बट कियारा आडवाणी का लेबर पेन. चंडीगढ़ में 4.5. ईयर का एंड होने वाला है और आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी भेंट न्यू ईयर की हो नहीं सकती गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि दबंग 3 ऑलरेडी रिलीज हो गई और लोगों को अच्छी लगी. वो भी एक्शन थ्रिलर है, ये कॉमेडी मूवी है, तो पीपल लाइट हार्टेड कॉमेडी है, सो पीपल वॉन्ट टू गो एंड रिलीज द स्ट्रेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूवी. अक्षय कुमार और करीना कपूर को इससे पहले हमने ऐतराज़ में देखा था, फिर अजनबी में देखा और फिर 10 साल पहले कमबख्त इश्क में देखा. तो 10 साल के बाद ये जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आई और हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें. कॉन्सेप्ट जी बहुत ही बोल्ड थीम है, जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोग्रेसिव है. चाइल्डलेस कपल्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस, दे कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. और बच्चा चाहे आप अडॉप्ट करें या किसी भी रूप में टेस्ट ट्यूब बेबी हो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आए आपकी ज़िंदगी में, तो उसको बिल्कुल विदाउट बीइंग जजमेंटल पे आ दीजिए. पहला ये सोशल मैसेज है. और दूसरा ये है कि यू नो यू शुड नॉट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि इस तरह नहीं होना. बेबी किसी भी तरह आपकी लाइफ में आए तो आप अपना यू नो विदाउट बीइंग जजमेंटल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और एक्टिंग में दिलजीत दोसांझ और कायरा आडवाणी का बहुत अच्छा रोल है. एक तरफ बहुत ही रिलेटेबल और रियलिस्टिक कैरेक्टर है और दूसरी तरफ ग्लैमर और क्लास अक्षय कुमार और करीना कपूर. सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आई फील सिनेमाटोग्राफी इज वेरी गुड, डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड एडिटिंग इज क्रिस्प बाय मनीष मोरे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड वेकेशन पीरियड चल रहा है, सो प्लीज गो एंड वॉच द मूवी. नया जॉनर है, वही एक सीरियस थीम है लेकिन उसको कॉमेडी में दिखाया गया है. सो ये काबिले तारीफ है कि कहीं भी आप बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि क्या दिखाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ी वन लाइनर्स भी हैं, जैसे तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा मतलब तुम्हारी क्वालिटी की आइसक्रीम तो दूर की बात है, मैं बच्चा भी ना करूँ, इस तरह के वन लाइनर्स हैं. बहुत ही चीज़ी, सो सीरियस सब्जेक्ट है लेकिन उसको एक फ़न वे में लिया गया है. सो बहुत अच्छा. ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. एक चंडीगढ़ में लास्ट सॉन्ग जुम्बा, ऑल द सॉन्ग्स कंपोज बाय तनिष्क बागची एंड कपल ऑफ अदर यू नो, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड. म्यूजिक इज अ प्लस पॉइंट. ऑल फूड टाइपिंग नंबर्स, यू फील लाइक डांसिंग ऑन ईच एंड एवरी नंबर. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5. आई थिंक आई एम रियली एंटरटेन्ड सेकेंड हाफ स्पेशली, इट्स सो एंटरटेनिंग. बहुत मजा आएगा आपको. थैंक यू सर. कैसी लगी आपको फिल्म? कौन सी? गुड न्यूज़. मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा काम किया. एक्टर्स को आप कितना रेट करेंगे? अक्षय कुमार के सामने कियारा आडवाणी. हाँ. अक्षय कुमार जी इतने साल से कॉमेडी कर रहे हैं, कियारा आडवाणी अभी-अभी आई हैं, उनके कॉमेडी टाइमिंग को क्या कहना चाहिए? नहीं, कियारा ने जो अपना काम किया है वो पसंद करेगी दुनिया, पब्लिक. बहुत अच्छा काम किया कियारा ने और स्वीट लगी है, अच्छी लगी है. और करीना कपूर जी के सामने आपको क्या कहना है दिलजीत को लेकर? देखो, जो चार कैरेक्टर इस फिल्म में हैं जिनके ऊपर फिल्म रची गई है, चारों ने अपना काम बढ़िया किया है. आप वो जो फैमिली स्ट्राइक्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हाई क्लास पीपल जो रेगुलेशन के चलते हैं, दूसरा एक सोसाइटी, दूसरे लोग ऐसे दिखाए जो हैं जो जिंदगी के हर पल को जीते हैं, तो इन दोनों में आप अपने आप को किससे रिलेट करोगे? देखो, मेरे हिसाब से अगर जो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहूंगा तो मैं मेरी लाइफ को खुल के जीना चाहूंगा, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो दिखावे के अंदर ज्यादा दौड़ते हैं, वो खुल के लाइफ नहीं जी पाते. और जो एक जो मीडियम फैमिली है वो खुल के अपनी लाइफ जीती है, वो बोलते हैं ना कि कल होना हो तो आज जी लो. मुझे वो लाइफ पसंद है. पंचिंग और कॉमेडी लाइंस के बारे में वो अच्छा है, पंचिंग वगैरह कॉमेडी बहुत अच्छी है और जो पिक्चर में जो इमोशनल पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, सबसे ज्यादा क्या देखने मिलेगा आपको, यानी 60-40 में अगर रेट करना होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा या कॉमेडी सेक्शन? कॉमेडी. कॉमेडी ज्यादा. अच्छा, कॉमेडी किस लेवल की कॉमेडी है, जैसे कि आजकल लैंग्वेजेस कैसे वल्गर्स हैं? नहीं नहीं, देखो जो वल्गर नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हाई सोसाइटी की तरीके से इंग्लिश में बोला गया, जो लो कैटेगरी के लोग हैं वो समझेंगे अलग कॉमेडी, लेकिन वो है उच्च दर्जे की, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर जाएगी. अच्छा, गाने कितने हैं पिक्चर में? गाने आई थिंक 3-4 हैं गाने. और तीनों चार गाने बराबर जगह पर हैं, प्लेसमेंट सही है उनकी? प्लेसमेंट सही है. नहीं, प्लेसमेंट सही है,
और एक गाना तो ऐसा है जो मतलब बचपन से आप भी सुनते आ रहे हैं, दिल देना सुखवीर का जो आया था, तो वो एक ऐसा गाना है आप अगर जो उसको और 10 साल बाद भी कहीं बजाओगे किसी शादी में तो पब्लिक नाचेगी उस पर। तो कंसेप्ट लेकर आपको क्या कहना है, जिस कंसेप्ट पर फिल्म, कंसेप्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिफरेंट चीजें ही चलेंगी। ये अल्टीमेटली ये सेक्स एजुकेशन दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को इसकी जरूरत थी या फिर ये अननेसेसरी ये फिल्म बनाने के? नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है ऐसा कुछ के लिए भाई इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक ऐसा है कि एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है, तो पब्लिक एक नई चीज़ देखना पसंद करेगी, वो किस तरीके से क्या दिखाया और एक बीमारी जो है उसकी समस्या का समाधान भी इसमें बताया गया कि। तो आपका ये कहना है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ करें तो वो कोई गलत बात नहीं? टेक्नोलॉजी देखो अगर जो आप, मैं तो इस मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत से बच्चे हैं, तो क्यों ना उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको भी घर मिल जाएगा, इन टेक्नोलॉजी की तरफ पीछे भागने से तो बेटर है उनको घर दिया जाना चाहिए। अच्छा मूवी में चार लीड एक्टर्स के अलावा और कौन कौन से एक्टर्स आपको नजर आए? कई हैं, आदिल जो डॉक्टर है, आदिल हैं शायद, आदिल शाह, उन्होंने भी अच्छा काम किया अपना। अच्छा तो चारों एक्टर्स को इक्वली रोल दिया गया है या फिर ऐसा दिखाया है कि अक्षय कुमार और करीना? नहीं ऐसा नहीं, जिसका देखो जितना कैरेक्टर था उसको उतना ही यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं स्टारों को स्टार्टिंग से उठा के चल पड़ेंगे, जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी तो कैरेक्टरों की एंट्री भी तो होती है, तो उसी तरीके से फिल्म की कॉमेडी को आप कितना स्टार देंगे? कॉमेडी आई थिंक 5 में से 4 जाएगा। फिल्म के कंसेप्ट को? कंसेप्ट भी अच्छा है। फिल्म के एक्टर्स को आप कितना स्टार देंगे? एक्ट्रेस ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। ओवरऑल फिल्म को आप कितना स्टार देंगे? फिल्म 4।